आगे के अक्षरों की बाड़ा खड़ी देखिए। अब आपको ये बात पता है कि त दो होते हैं उर्दू में, एक होता है तोए वाला त और एक होता है नॉर्मल वाला त जिसको हम ते बोलते हैं। तो अब हम मैं दोनों ही सिखा रहा हूँ, पहले त को देख लेते हैं, ते को त ता ती ती तु तु ते ते तो तौ, ठीक है। अब ये तोए वाले को देख लीजिए, त ता ती ती तु तु ते तय तय ढंग से बनाता हूँ, तय तो तौ। अब थ पे शुरू हो जाओ, तो थ किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? थ बनता है त और ह के कॉम्बिनेशन से, तो मतलब त प्लस ह थ। तो पहले बनाइए थ था थी थी थु थु थे, दो बिंदियां लगी हुई हैं ऊपर, ये त प्लस ह प्लस ए, थे थो थौ। अब द पे आ जाओ, द दा सॉरी दि दी दु दु दे दे दो दो। अब द प्लस ह के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? ध बनेगा, द प्लस ह क्या बन जाएगा? ध। तो फिर वही ध धा धि धी धु 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 धे धे धय को देखिए, धय फिर धो को देखिए, धो और धो कैसे बनेगा? धौ। अब न देखिए, न न नि नी नु नु ने नय नो नौ। अब प देखिए, प पा पी सॉरी पी पु पु पे
पे पो पो। ये क्या है? पो। ठीक है, पहले आपने प लिखना है, उसके साथ ओ जोड़ देना है, फिर ऊपर पो। तो ये है।